नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आइए आपको ले चलते बिहार की 25 बड़ी खबरों पे। मुहर्रम पर और कड़ी हो सकती है सुरक्षा व्यवस्था। बिहार पुलिस के मुखिया ने मुहर्रम के दौरान राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। लॉ एंड ऑर्डर का खास ध्यान रखा जाए, बेवजह माहौल बिगाड़ने वाले प्रदर्शन जैसी कोई भी वारदात ना हो। सीएनजी स्टेशन की बढ़ेगी संख्या। बिहार सरकार जल्द ही ऑटो और ई रिक्शा की संख्या तय करने के लिए वाहन नीति तैयार करने जा रही है, जिसके पश्चात सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। पटना एयरपोर्ट पर पिक एंड ड्रॉप के लिए नहीं देने होंगे पैसे। अक्टूबर में नई एयरपोर्ट व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब यात्रियों को यात्रा के दौरान पिक एंड ड्रॉप करने वाले वाहन को पैसे नहीं देने होंगे। पिकअप वाहन को अब यात्रियों को 4 से 5 मिनट में पिक करना होगा। नीतीश के नए नारे पर मांझी का तंज। हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के नए नारे पर तंज कसते हुए कहा है कि जो अच्छा काम करते हैं उन्हें जनता को पोस्टर के जरिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह पोस्टर जेडीयू की कमजोरी को दर्शाता है। निकाय कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ। राज्य सरकार पटना निकाय कर्मचारियों को साल 2016 के जनवरी से 7वें वेतन का लाभ देने जा रही है। इसके अलावा 5वें और 6ठे वेतन की स्वीकृति जिला लेखा पदाधिकारी करेगा। चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखेगी बिहार की सौम्या। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब बिहार की सौम्या भी देखेगी चंद्रयान 2 की चंद्रमा पर लैंडिंग। यह अवसर सौम्या को राष्ट्रीय स्तर पर इसरो द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता के बाद मिला है। पानी की आपूर्ति के लिए हो साल भर सर्वेक्षण। बाढ़ के दिनों में पानी जमा कर लोगों की जरूरत अनुसार उन्हें 12 महीने पानी की आपूर्ति करवाने का आदेश दिया है। साथ ही साथ राजगीर, गया और नवादा में टीम को सर्वेक्षण का भी निर्देश दिया गया है। वाहन चेकिंग अभियान लगातार 1 सप्ताह रहेगा जारी। वाहन चेकिंग अभियान शुक्रवार से रोजाना सुबह से शाम तक लगातार 1 सप्ताह जारी किया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए एएसपी सहित परिवहन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। खुद जिलाधिकारी कुमार रवि और प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर सड़कों पर परिवहन और पुलिस अधिकारियों के साथ ही 200 जवानों को चेकिंग के लिए तैनात किए गए हैं, जिनमें तिराहे से लेकर चौराहे तक चेकिंग लगाई गई है। इतना देना होगा फाइन। हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपए, बिना लाइसेंस 5,000 रुपए, अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग 10,000 रुपए, खतरनाक ड्राइविंग 5,000 रुपए, सामान्य जुर्माना 500 रुपए, नशे में ड्राइविंग 10,000 रुपए, ओवर स्पीडिंग LMV के लिए 1,000 रुपए, ओवर स्पीडिंग मध्यम श्रेणी के लिए 2,000 रुपए, स्पीडिंग रेसिंग के लिए 5,000 रुपए, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग के लिए 2,000 रुपए। बिहार पुलिस महकमे में बड़ा तबादला। पुलिस विभाग ने बिहार में 157 पुलिस इंस्पेक्टर और 127 सब इंस्पेक्टर का तबादला किया है। पुलिस डिपार्टमेंट के IG ने यह आदेश जारी किया है। बुजुर्ग महिला के पास से मिले पुराने नोट। वैशाली की एक बुजुर्ग महिला के पास से 500 और 1,000 के पुराने नोट मिले हैं। रजिया देवी नाम की यह महिला पटाखा फैक्ट्री में मजदूर का काम करती है। रजिया देवी को भूलने की बीमारी है, जिसकी वजह से ये पैसे संदूक में रखकर वो भूल गई थी। जल्द ही सर पर दौड़ेगी गाड़ियां आर ब्लॉक दीघा 6 लेन पर। आर ब्लॉक दीघा 6 लेन के लिए लगभग 257 करोड़ की लागत से बने इस सड़क परियोजना का कार्य सितंबर 2020 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसे जून 2020 में ही कर लिया जाएगा पूरा, जिसमें कुल 35% काम हो चुका है पूरा। पितृपक्ष मेले को लेकर गया जिले में किया निरीक्षण। गया जिले में लगने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने मानपुर, सीताकुंड, ब्रह्मसत, बैतरणी के साथ ही सड़क रामशिला, किरानी घाट, टावर चौक निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन मास्टर और अस्पतालों के प्रभावियों से मिलकर भी यातायात, सड़क एवं अस्पतालों की सुविधा से जुड़े कई निर्देश भी दिए हैं। लीची से नहीं हुआ था बच्चों को चमकी बुखार। मेडिकल रिपोर्ट की बात सामने आते ही ये पता चला है कि लीची की वजह से नहीं बल्कि कुपोषण की वजह से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से हाइपोग्लिसीमिया के चपेट में आते हैं, जिसके बाद बच्चों का माइटोकॉन्ड्रिया फेल होने की वजह से ये हो रहा था चमकी बुखार। कोइलवर पुल पर 6 लेन पुल का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोइलवर से आरा बक्सर 4 लेन की प्रगति का जायजा लेते हुए 13 किलोमीटर लंबे बन रहे बाईपास का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कोइलवर में सोन नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि 6 में से 3 लेन पुल का निर्माण अगले साल मार्च तक हो जाएगा। देश भर में फिजियोथेरेपिस्ट के करीब 500 छात्रों और डॉक्टरों ने अपनी मांग जाहिर की। पूरे देश में करीब 70,000 फिजियोथेरेपिस्ट और 35,000 छात्र हैं, लेकिन डिग्री लेने के बावजूद भी ना ही स्वतंत्र रूप से काम करने को मिल रहा है और ना ही निस्वार्थ सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लास में 1.5 महीने के अंदर 24 लाख विद्यार्थी जुड़े। स्मार्ट क्लास के मामले में प्रथम स्थान पर पूर्वी चंपारण, दूसरे स्थान पर गया और तीसरे स्थान पर पटना है। पटना के 252 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हो गया है। बता दें कि 15 जुलाई 2019 से अब तक 5,690 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की जा चुकी है, जिसमें अब तक 1.5 महीने के अंदर 24 लाख छात्र और छात्राएं जुड़ चुके हैं।
नाबालिग वाहन चालकों से लिए गए 81,000 का चलान। बिहार के अलग अलग इलाकों से नाबालिगों के गाड़ी चलाने की घटना पर यातायात पुलिस फाइन काटने में लगी हुई है, जिसमें सहरसा के 3 नाबालिगों को अलग अलग जगहों से पकड़े जाने पर कुल 81,000 का जुर्माना वसूला गया है। वहीं शंकर चौक पर ट्रैफिक जवान को एक नाबालिग ने स्कूटी से धक्का मार दिया, जिसके बाद 27,500 का जुर्माना दिया गया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, कई लोगों का नाम रिकॉर्ड में नहीं। मांझी ने एनआरसी के मुद्दे पर कहा है कि बिहार में कई दलितों और गैर हिंदुओं के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन और उनके परिवार का नाम भी एनआरसी के लिस्ट में शामिल नहीं है। यह भाजपा का रचा हुआ एक चाल है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार ने BISPC परियोजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 917 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया होने वाली है। आप इन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। एडमिन कम अकाउंटेंट असिस्टेंट पद 63, वेतनमान 12,500 से 16,500 रुपए। कैश मैनेजर पद 70, वेतनमान 30,000 से 40,000 रुपए तक। आयु सीमा उपरोक्त सभी पदों के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 55 वर्ष। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन के लिए वेबसाइट www.ssupsw.in पर लॉगिन करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों की DTO ऑफिस में लगी भीड़। नए ट्रैफिक नियम के बनने के बाद चलान से बचने के लिए अब DTO ऑफिस में 150 की जगह 300 आने लगे हैं आवेदन। यातायात नियम अभियान के डर को देखते हुए लोग अब सड़कों पर कम दिखने लगे हैं। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो जरूरत पड़ने पर ही वाहन चलाते दिख रहे हैं। बिना तीर के ही चुनावी मैदान में उतरे जदयू। नीतीश कुमार के विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसका 7 सितंबर से रांची में JDU चुनाव अभियान की शुरुआत करेगा। बता दें कि जदयू का तीर निशान को झारखंड चुनाव आयोग ने सील कर दिया था। नए चिन्ह के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब बिना चुनाव चिन्ह के ही नीतीश कुमार प्रचार करेंगे। JDU प्रदेश कार्यालय का पता बदलकर हुआ यह। वर्तमान में बिहार की राजनीतिक पार्टी JDU का कार्यालय 8 विभिन्न सरकारी आवास पर है, जिसे अब एक ही भवन में सम्मिलित किया जाएगा। JDU का कार्यालय का नया पता 1 वीर चंद्र पटेल पथ होने वाला है। किरमानी ने कहा, विराट को जीतनी पड़ेगी ICC। विराट कोहली की तारीफ करते हुए किरमानी ने कहा है कि धोनी की वजह से भारत को 3 ICC ट्रॉफी मिली है। अगर कोहली को सर्वश्रेष्ठ कप्तान बनना है तो उन्हें अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को जीतकर अपने आप को साबित करना होगा। बार्क की लिस्ट में इसका है यह स्थान। बार्क की 35वें हफ्ते की TRP सूची प्रकाशित हुई है, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति 5वें नंबर पर है और पिछले हफ्ते टॉप 5 से बाहर रहने वाला द कपिल शर्मा शो 4थे नंबर पर है। तो आप जानते हैं मौसम के बारे में। औरंगाबाद, छपरा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, राजगीर और सुपौल में सामान्य बादल छाए रहेंगे। वहीं भागलपुर, फरबिसगंज और पूर्णिया में सामान्य बादल छाने के साथ ही धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश भी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।